आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. दिस इज मी अभिषेक. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि हम जो है फैक्स को, IRS को हमें SS4 फॉर्म सेंड करना है, चाहे आपका जो फेडरल के टैक्स वगैरह के फॉर्म होते हैं आपने वो IRS को सेंड करने हैं, किस तरह फैक्स किया जा रहा होता है. इस वीडियो में क्विकली ये देख रहे होंगे, स्क्रीन की तरफ चलेंगे, चलकर अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे. इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिल सकें. हम आगे जाएंगे गूगल के ऊपर. देखिए मुख्तलिफ किस्म के फैक्स आपके पास, फैक्स जो है, फैक्स की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं. कुछ का ट्रायल फ्री होता है, कुछ का पेड होता है, तो आपने देख लेना आपको अपने केस में कौन सा है. मैं आपको अभी 2 से 3 जो है फैक्स की सर्विसेज बता रहा हूँ जो कि अच्छी हैं, उनको आप उनका ट्रायल फ्री ट्रायल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक तो है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हेलो फैक्स. हेलो फैक्स करके एक जो है कंपनी है, यहाँ पे इसका पहले पहले नंबर पे इसका लिंक आ रहा है. यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे, राइट. और एक है फैक्स प्लस, राइट. यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट इसकी आ रही है फैक्स प्लस की. इन दो की बात कर लेते हैं आज, आज की वीडियो में इन दो को देख लेते हैं, इनके पैकेजेस को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर फ्री ट्रायल कैसे लेना है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आप हेलो फैक्स लिखेंगे, आने के बाद आपने गेट स्टार्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे. यहाँ पर यह हमें बता यहाँ पे हमें ये बताने लगा है कि आप हमारा अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे इसने हमें डायरेक्ट लॉगिन कर दिया. आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट जो है गूगल के साथ साइनअप कर लें, ईमेल पासवर्ड डाल के साइनअप कर लें. उसके बाद क्या होगा, आपने आपके पास जो प्लान्स होते हैं इनके वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. प्लान्स में देख लीजिएगा, प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे हम, इस तरह का जो इंटरफेस है आपके पास आ जाएगा जिसमें आपके पास फ्री है. फ्री वाले के अंदर आप जो है 5 से ज़्यादा पेजेस को भेज सकते हैं, राइट. एक सेंडर को भेज सकते हैं, इंटरनेशनल कवरेज है, ये सारी चीज़ें इसमें आप इसमें सिर्फ भेज सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते फैक्सेस को, राइट. यू कैन सी हियर. और ईमेल भी सेंड नहीं कर सकते, मल्टीपल फैक्स रेसिपेंट भी इसमें नहीं है फ्री वाले में, तो ऑलमोस्ट ये आपके किसी काम का नहीं है अगर आपको रिसीव भी करना है तो. आपने अपने केस में देख लेना, अगर पाँच पेज से थोड़े ज़्यादा हैं तो ये चल जाएगा. उसके अगर बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा पेजेस हैं, तो फिर आपको इस वाले पैकेज की इनकी होम ऑफिस जो है वो रिक्वायर्ड होगा, जो कि $9.99 का है, ऑलमोस्ट $10 का पर मंथ है, जिसमें आपके पास 300+ पेजेस हैं. 5 सेंडर्स को भेज सकते हैं आप, इंटरनेशनल कवरेज है, रिसीव कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो इसमें मौजूद हैं वो सब आप कर सकते हैं. तो ये वाला आप पैकेज ले सकते हैं. इसको लेने के लिए यहाँ पर आपके पास फ्री ट्रायल का ऑप्शन अवेलेबल होगा. फ्री ट्रायल के लिए आपको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फ्री ट्रायल पर. क्योंकि मैंने इसको लिया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है. यहाँ पे सिंपल फ्री ट्रायल का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद अपनी आप बैंक की डिटेल्स को ऐड करेंगे. बैंक की डिटेल्स को ऐड करने के बाद जो है आपको वो पैकेज, ये पैकेज ऐड हो जाएगा, जो कि 30 डेज़ के लिए आपको फ्री ट्रायल है. अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है तो आप उसको अपनी पैकेज को आप जो है ख़त्म भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो है कोई पेमेंट डिटेक्ट नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा. ये एक फ्री तरीका था जो कि आप हेलो फैक्स ड्रॉप बॉक्स फैक्स भी इसका नाम है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो ये दोनों एक ही हैं, तो इनसे आप सर्विसेज ले सकें. सिंपल फैक्स करने का तरीका जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जब आप बाय कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आने लगेगा, राइट. तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे सेंड फैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे. किसी को फैक्स सेंड करने का क्या तरीका होगा, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम SS4 फॉर्म जो है IRS को सेंड करना चाहते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना SS4 फॉर्म जो है अपलोड करेंगे. हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें कोई फॉर्म मिल जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक SS4 फॉर्म मिल गया जिसको हम एक एग्जांपल के तौर पे भेजना चाहते हैं. इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाता है डॉक्यूमेंट. उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है. जैसे ही डाउनलोड हो जाता है फिर नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, हम सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देंगे फैक्स नंबर और ईमेल, राइट. जो भी आप जिसको भी फैक्स करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में SS4 फॉर्म को हम IRS को सेंड करना चाहते हैं, तो हम गूगल पर आएंगे और लिखेंगे हम IRS फैक्स नंबर. अब यहाँ पे मैंने डिस्कस की, जैसे
5427 फॉर्म के लिए भी आप भेजना चाहते हैं जो कि फेडरल के टैक्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपने नंबर देख लेना है, जो भी फैक्स नंबर उनका होगा डेडिकेटेड उस पर आपने सेंड करना है। हम SS4 फॉर्म के लिए देख रहे हैं तो हम SS4 फॉर्म लिख लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपके पास नंबर आ गए हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप USA के अंदर हैं तो ये वाला जो है नंबर इस्तेमाल करें, अगर USA से बाहर हैं तो ये वाला इस्तेमाल करें, अगर आप कहीं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से भेज रहे हैं तो फिर आप ये वाला नंबर इस्तेमाल करेंगे। और जो है और आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे इसके इंटरफेस के ऊपर जहाँ पे नंबर आपसे मांग रहा था, यहाँ पर आप इंटर कर देंगे, ये सिंपल यहाँ से यूनाइटेड स्टेट खुद उठा लेगा। और उसके बाद जो है अगर आप और भी रेसिपिएंट को ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी कर सकते हैं, जैसे एक से ज़्यादा को भेजना चाहते हैं। उसके बाद सिनेरियो में आपने ये करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि हाई रेजोल्यूशन कलर वर्जन फॉर फैक्स, तो इन दोनों के ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये अगर ऐड कवर पेज पे करेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाता है कि आप किस को भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं और किसकी तरफ से भेज रहे हैं। तो जहाँ पर आप जो है अपना जहाँ से आप भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी LLC का नाम है वो अपनी LLC का नाम लिख देंगे यहाँ पर आप। उसके बाद जिसको भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल IRS को भेज रहे हैं, तो आप इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज लिख देंगे। और उसके बाद एक छोटा सा नोट यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, आई एम सेंडिंग SS4 फॉर्म फॉर माई बिजनेस, आई वॉन्ट टू गेट अ EIN नंबर। सो इस तरह का कुछ लिख सकते हैं आप। और उसके बाद जो है सिंपल आप सेंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जब सेंड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो फैक्स है वो IRS को सेंड कर दी जाएगी। फिर आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं ये सेंड हो गई है या नहीं हुई, तो आप मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे, इसका जो मेन इंटरफेस था यहाँ पर आके आप फैक्सेस में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें सेंड का ऑप्शन है, सेंड पे आप यहाँ पे जो सेंड हो चुकी होगी आपकी फैक्स वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्स मैंने सेंड की हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेंड के स्टेटस में आ जाएगी, अगर रिसीव जो हुई होगी आपको रिसीव में शो होने लग जाएगी, जो भी आपको रिटर्न या कोई भी फैक्स आई होगी आपके इस नंबर के ऊपर, या जो ड्राफ्ट होंगी वो ड्राफ्ट में आ जाएंगी। इस तरह से आप हेलो फैक्स के थ्रू भेज सकते हैं। जो दूसरा एक फैक्स था फैक्स प्लस, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। इसके अंदर भी आप इसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे उसके साथ जा सकते हैं आप, इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं। आपका इसका जो बेसिक पैकेज है वो है $7 का ऑलमोस्ट, जिसमें आपको 200 पेजेस मिल रहे हैं, उसके बाद जो है बाकी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ईमेल और मल्टीपल रेसिपेंट जैसे उसमें हमें मिल रहे थे। तो आपने अपने लिहाज से जो पैकेज को सेलेक्ट कर लेना और उसके साथ जो है आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लॉगिन कर लेंगे इसको, हमारे पास ये अवेलेबल है, इसके थ्रू कैसे फैक्स किया जाता है उसका भी आपको क्विकली मैं इसी वीडियो में तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं कि किस तरह फैक्स साइन किया जाता है। सिंपल इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने आना है सेंड फैक्स के ऊपर, सेंड फैक्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको जिसको भी फैक्स सेंड करना है उसे यहाँ पर आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपनी जो भी फाइल, जैसे फॉर एग्जांपल SS4 फॉर्म आपने करना है उसे यहाँ पे सबमिट कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे और सिंपल सेंड के ऊपर। इस तरह आपके पास सेटिंग के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, अगर कोई सेटिंग करना है, इसमें शेड्यूल करना चाहते हैं आप, फ़ौरन नहीं भेजना चाहते, कल भेजना चाहते हैं, परसों भेजना चाहते हैं, तो शेड्यूल कर सकते हैं और बाकी यहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपके कोई चीज़ ऐसी है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे कैंसिल करेंगे और सिंपल सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फैक्स जो है वो सेंड हो जाएगी आपकी IRS को। बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे कोई नोट ऐड करना चाहते हैं तो नोट भी ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे वहाँ पर हम मैसेज ऐड कर रहे थे, यहाँ पर नोट का ऑप्शन है तो नोट भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप भेज सकते हैं। और उसके बाद ये आपको कहाँ शो हो रही होगी, आपने यहाँ आ जाएंगे वापसी इसके मेन इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर देखें आप ये बता रहे हैं कि एक फैक्स हमने भेजी हुई है जो कि सेंड हुई भी है और ये सेंड में आपके पास आ रही होगी, ठीक है, सेंड में आपको यहाँ पे आ रही होंगी जो चली जाएंगी, जो अगर नहीं जाएंगी कुछ तो फिर वो आपको फेल नो आंसर जो भी रीज़न होगा वो बता देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फैक्स हमने भेजी है, गई हुई है फैक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फैक्स को हमने सेंड किया और ये सेंड हो चुकी है, सेंड में आ रही होगी जो आप फैक्स सेंड करेंगे। इसी तरह जो आपको कोई रिसीव होगी फैक्स प्लस के ऊपर, तो वो इनबॉक्स में रिसीव हो रही होगी, इसी तरह आउट बॉक्स में, और जो आप डिलीट कर देंगे वो ट्रैश में आ जाएंगी। ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जो है फैक्स कैसे भेज सकते हैं, कौन सा फैक्स को आप अपने लिए अपना नंबर जो है फैक्स नंबर बाय कर सकते हैं किस वेबसाइट से। और जो हेलो फैक्स है उसका 30 डेज़ का फ्री ट्रायल है, तो
आप उसे, आई वुड रिकमेंड कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ताकि आप अपने पैसे जो है सेव कर सकेंगे। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। अगर हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी डियर टू आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।